फ्रेंड्स, अब आपका बेटा है, तीसरा लेक्चर है, चैप्टर फर्स्ट मोशन नहीं है, क्लास नाइन साइंस। आपको क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ़ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस क्या करे? कवर करे। ऐसे मोशन को, ऐसे मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम बेटा? कि ऑब्जेक्ट किस कंडीशन पे? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक समान। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? एक समान। तो एक समान का मतलब हर समय पे, हर समय। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट एक मिनट में सपोज दैट कितना चल रहा है? एक मीटर चल रहा है। तो अगले मिनट, अगले टाइम ऑफ इंटरवल मीन्स अगले मिनट में भी कितना किलोमीटर चलना चाहिए? कितना मीटर चलना चाहिए? एक ही मीटर ऑब्जेक्ट चले। अगले मिनट में भी कितना किलोमीटर चले? एक मिनट चले। तो ऐसे मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे हम? बॉडी किस में है? यूनिफॉर्म मोशन पे है। समझ में आ गया बेटा? इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन का मतलब मूवमेंट, अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा समय के साथ। सपोज दैट दिस इज द ए पोजीशन एंड दिस इज द बी पोजीशन। तो मैंने मान लिया कि ये एक किलोमीटर है, एक एक किलोमीटर पे मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। सपोज दैट एक एक किलोमीटर पे मैंने डिवाइड कर दिया, तो एक किलोमीटर कितने समय पे, मैंने मान लो यहाँ पे 12 बजे स्टार्ट किया चलना। कितने बजे चलना स्टार्ट किया? 12 बजे चलना स्टार्ट किया। 12 एक किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लग गया? सपोज दैट 12:30 पे यहाँ पे पहुँचा है, 12:30 से फिर 1 बजे यहाँ पे पहुँच गया, फिर 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30, 3:30 एंड 3:30। तो यहाँ समझ में आया? और सबका किलोमीटर कितना है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ए बी वन है, ए बी वन है, ए बी वन है, ए बी वन है। तो क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 12:30 से 12 के बीच में कितना इंटरवल ऑफ टाइम है बेटा? आधे घंटे का। ऐसे 1 और 12:30 बजे के बीच में कितना इंटरवल ऑफ टाइम है? 1 घंटे का। डिस्टेंस कितना कवर किया है? 1 किलोमीटर। ऐसे 2 और 1:30 के बीच में कितना इंटरवल ऑफ टाइम है बेटा? आधे घंटे का। कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 किलोमीटर का। तो हम देख रहे हैं ए से बी तक कोई बॉडी जा रही, कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रही है। तो मैं देख रहा हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोल देंगे बेटा? यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। इसका हम ग्राफ खींचेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में। मान लो मैं ग्राफ खींचना चाहूँ, टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचना चाहूँ, तो इसका ग्राफिक यूनिफॉर्म मोशन का ऐसे जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का आपका ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। मतलब मान लो एक मिनट में, मान लो कितने मिनट में, आधे घंटे में कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। नेक्स्ट हाफ एन आवर में कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। नेक्स्ट हाफ एन आवर में कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर, आधा घंटा। तो ये समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन का क्या है बेटा? ग्राफ है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे किसके बारे में? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? कि इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, ध्यान से समझो ना बेटा, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन व्हिच, इन किस कंडीशन में बेटा ऑब्जेक्ट रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कंडीशन पे रहेगा। फॉर एग्जांपल, मैं पहले से डेफिनेशन लिख देता हूं। इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और दूसरा भी डेफिनेशन हो सकता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट
कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका दो डेफिनेशन बन सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो अनइक्वल डिस्टेंस पहले कवर कर रहा है किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो हम क्या बोलेंगे, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ऐसे ही मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो गया बेटा, अनइक्वल हो गया, तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने इसका डेफिनेशन इसको बता रहा हूँ मैं, अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने मान लिया 12 बजे यहाँ चलना स्टार्ट किया, हमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है, 12 से 12:30 के बीच में कितना कवर किया मान लो 1 मीटर। अब मैं देख रहा हूँ 12:30 से 1 बजे के बजे के बीच में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 2 मीटर का कवर कर लिया। ऐसे ही अब 1 से 1:30 के बीच में कितना कवर कर लिया मान लो 10 मीटर कवर कर लिया। तो मैं क्या देख रहा हूँ, इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, आधे घंटे का ही, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल कर रहा है। पहले इंटरवल ऑफ टाइम पे उन्होंने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया था, दूसरे इंटरवल ऑफ टाइम पे 2 मीटर चल गया, तीसरे इंटरवल ऑफ टाइम पे कितना चल गया बेटा, 10 मीटर चल गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। दूसरा कंडीशन भी हो सकता है कि क्या ऐसा करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे और किस कंडीशन में, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। मैंने मान लिया पहले मिनट में बॉडी कितना कवर किया डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर किया, मान लो 1 मिनट में कितना कवर कर रहा है, 1 मीटर कवर कर रहा है। अगले मिनट में मैं देख रहा हूँ कितना कवर कर गया बेटा, अगले मिनट में मान लो 1 मीटर को कवर करने में कितना समय ले लिया, 2 मिनट का ले लिया। नहीं समझ में आया, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल मतलब अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कितना कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है। क्या लेना है बेटा, अनइक्वल ऑफ टाइम इंटरवल लेना है। मीन्स पहले मिनट में कितना चला हो, 1 मिनट में कितना चला, 1 किलोमीटर मान लो 1 मीटर चला। अब क्या कर रहा है, अगले मीटर को चलने में, अगले 1 मीटर को चलने में कितना समय ले लिया, मान लो 2 मिनट का समय ले लिया। ऐसे ही अगले 1 मीटर को चलने में कितना समय ले लिया, 5 मिनट का समय ले लिया। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि पहला डिस्टेंस मीन्स पहले 1 मीटर को कवर करने में 1 मिनट का समय लगाया, दूसरा 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय ले लिया, 2 मिनट का समय ले लिया, और नेक्स्ट 1 ही मीटर चलने के लिए कितना डिस्टेंस ले लिया, 5 मिनट का समय ले लिया। तो मैं देख रहा हूँ अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो उस कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे बेटा कि ऑब्जेक्ट किस में है, किस कंडीशन पे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कंडीशन में है। तो इसका भी हम ग्राफ खींचना चाहें, मान लो इसका भी ग्राफ टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ खींचना चाहें, तो इसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो है ग्राफ कुछ ऐसे कर्वेचर में जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझ में आ गया, एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम स्पीड वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में डिफाइन करेंगे। थैंक यू।